मामले की जांच होम मिनिस्ट्री तक पहुंची और गेमिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा विवाद है, कैसे गेमिंग से जरिए धर्मांतरण हो रहा है, कैसे पूरा खेल चल रहा है, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे। यूपी के गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स धर्मांतरण गैंग का मेंबर है, लेकिन ये कोई आम गैंग नहीं है। ये गिरोह लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए हाईटेक तरीके अपनाता था। ऑनलाइन गेम के जरिए ये युवाओं का धर्मांतरण कराते थे। धर्मांतरण के इस खेल की पड़ताल में हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। होम मिनिस्ट्री तक ने मामले की रिपोर्ट मांग ली है। यूपी पुलिस के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी इसकी जांच में जुट गई हैं। इस मामले का खुलासा गाजियाबाद में जैन परिवार के बेटे के धर्मांतरण से हुआ। इस परिवार का लड़का जिम के बहाने मस्जिद में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए जाता था। उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। ये शख्स उस गैंग का मेंबर है जो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराता था। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का ये खेल बेहद शातिर तरीके से खेला जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 3 पीड़ित बच्चों से बात की है, जिससे धर्मांतरण के खेल का खुलासा हो गया। धर्मांतरण के 3 स्टेप थे। पहले स्टेप में गैंग के मेंबर मोबाइल या कंप्यूटर पर फोर्टनाइट ऐप पर गेम्स खेलते। जो लड़के गेम हार जाते उन्हें कुरान की आयत पढ़वाई जाती थी और फिर उन्हें गेम जिताकर कुरान पर भरोसा कायम किया जाता था। सेकंड स्टेप में डिस्कॉर्ड ऐप पर मुस्लिम लड़के हिंदू नाम की यूजर आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैटिंग करते थे। उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए बहलाते फुसलाते थे। और तीसरे स्टेप में वे भगोड़े जाकिर नाइक के स्पीच सुनाकर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। इस धर्मांतरण गैंग का एक मेंबर है बद्दो उर्फ शाहनवाज मकसूद। जैन परिवार के नाबालिग लड़के ने इसी शख्स से ऑनलाइन संपर्क किया था। ये शख्स फेक आईडी बनाकर बच्चों को इस्लाम की जानकारी दे रहा था और गेम हारने पर उसे कलमा पढ़ने के लिए कहता था। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने इसे महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार कर लिया है। धर्मांतरण के इस खेल का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। पाकिस्तान के एक YouTube चैनल पर इस्लामिक वीडियो दिखाई जाती थी। इस खुलासे के बाद यूपी पुलिस से लेकर होम मिनिस्ट्री तक अलर्ट है। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण की इस साजिश के खुलासे में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात टेरर के टारगेट 2050 की। जबलपुर से आईएसआईएस के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसमें देश का इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का भी षड्यंत्र शामिल है। कैसे यह सब हो रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। जबलपुर में आईएसआईएस के आतंकी मॉड्यूल को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर खुलासा हैरान कर देने वाला है। ये आतंकी 2050 तक देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहे थे और इसके लिए लव जिहाद को इन्होंने हथियार बनाया था। आतंकियों से बरामद हार्ड डिस्क और मोबाइल से इसका खुलासा हुआ है। इनकी साजिश हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने की थी। गिरफ्तार आतंकियों की हार्ड डिस्क और मोबाइल से ये खुलासा हुआ है। एनआईए ने 27 मई को जबलपुर के 3 जगहों पर छापेमारी की थी और 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला है कि इनके तार आईएसआईएस से जुड़े थे। ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। लव जिहाद की इस साजिश को एमपी में लगातार अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश भर से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर में एक सप्ताह में लव जिहाद के 4 मामले सामने आए हैं। प्रदेश के और भी जिलों से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। हर बार तरीका ऐसा होता है, नाम बदलकर पहले हिंदू लड़कियों से जान पहचान पर दोस्ती और प्यार का ढोंग रचना, उसके बाद और धर्म परिवर्तन का दबाव। तुकवंज में कल एक रिपोर्ट हुई थी जिस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फरियादी द्वारा बताया गया कि लाला उर्फ अरबाज नाम का व्यक्ति है जो पहले उसके साथ जहां ये खरीदारी करने गई थी वहां पर मिला था
और पहले इसने दोस्ती की, उसके बाद फिर इसको धमकाया, डराया धमकाया, और ये बात भी छिपाई कि वो मुस्लिम धर्म का है, और उसको दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद में शादी करने के लिए भी धमकाया। पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, आगे इसमें विवेचना की जाएगी। आईएसआईएस से लेकर हिजबुल तहरीर तक अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए लव जिहाद और धर्मांतरण को हथियार बना रखे हैं। इनके निशाने पर एमपी भी है और अब इनके प्लान 2050 के खुलासे के बाद सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। इतने नाराज हुए कि कार्यकर्ताओं को खुद हॉल से बाहर निकाला, गेट बंद करवा दिया। दिग्विजय सिंह की इस हरकत को लेकर अब बीजेपी कंस कस रही है। जो यहाँ पर होगा उसको बाहर करो, उससे मैं नहीं मिलने वाला। भैया वो नेता, चल चलो। मौका था इंदौर में दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हॉल में मीडिया थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए फरमान सुना दिया। उन्होंने कहा कि फौरन हॉल खाली करो, जो हॉल के बाहर रहेगा मैं सिर्फ उन्हीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। निराश कार्यकर्ता धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई दिग्विजय सिंह ने देखा कुछ कार्यकर्ता अब भी मौजूद हैं। फिर क्या था, उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे खुद उठे और बाकी बचे कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने के बाद जब वो वापस कुर्सी पर लौटे तो कहा कि कांग्रेस में अनुशासन आ जाए तो कभी चुनाव पार्टी नहीं हारेगी। कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस रवैये पर बीजेपी तंज कसना शुरू कर चुकी है। बीजेपी का कहना है कि एक तरफ राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ ये दिग्विजय सिंह की मोहब्बत की दुकान है। देखिए, कहने को तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो प्रदेश की 66 हारी हुई सीटों पर जा रहे हैं, उस क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनके विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। आज इंदौर के अंदर कार्यकर्ताओं को देखकर पत्रकार वार्ता वाले हॉल में भड़क उठे, आपा खो बैठे और एक तरह से मारने के लिए दौड़ पड़े और उनको कमरे से बाहर करा, दरवाजे की कुंडी लगा दी। ये इनकी मोहब्बत की दुकान है। जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वो मोहब्बत की दुकान हम दिग्विजय सिंह जी की देख रहे हैं। बहरहाल ये कांग्रेस तय करेगी कि अनुशासन के नाम पर कार्यकर्ताओं से ऐसा सलूक कितना सही है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर हमला बोलने का सुनहरा मौका जरूर मिल गया। अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18, इंदौर। तो 2014 के इलेक्शन के बाद से कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर अविश्वास जाहिर करती आ रही है और एक के बाद एक हर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है। हाल ही में कांग्रेस को कर्नाटक में शानदार जीत मिली है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट देखिए। एमपी में नजदीक आते चुनावों के साथ ईवीएम का चिन्ह एक बार फिर से बाहर निकल आया है। कर्नाटक चुनाव में बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। पार्टी चाहती है कि चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाएं। दरअसल साल 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। पार्टी ने हर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। हालांकि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस को शानदार जीत मिली, लेकिन फिर भी एमपी में बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जा रही है। ईवीएम पर भरोसा बढ़ने वाली बात का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं है। ईवीएम की जो बात है, जो शिकायत है, वो आज भी अपनी जगह पर है। सवाल इस बात का उठता है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है, लोगों ने हर चुनाव में ईवीएम टूटी फूटी मिलती है, चोरी हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें हेराफेरी हो जाती है, सारी चीज़ों के जो संदेह हैं वो आज ही बने हुए हैं। अगर लोकतंत्र में ईमानदारी के साथ हम विश्वास कराना चाहते हैं, आम जनता का दिल जीतना चाहते हैं, तो बहुत हो गया। आप इतनी बार ईवीएम से चुनाव करा चुके हैं, एक बार मतपत्र से करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी मांग अपनी जगह आज भी कायम है। ईवीएम पर संदेह पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उधर कांग्रेस के ईवीएम राग पर बीजेपी का रिएक्शन सामने आया। बीजेपी ने कांग्रेस पर दो मुही बातें करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सदैव दो मुही बातें करती है, डबल स्टैंडर्ड की बात करती है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की नीति
ये डबल स्टैंडर्ड की नीति है और उसी के तहत जब वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम में खोट निकालते हैं और किसी राज्य में चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो ये कांग्रेस का पुराना शगल है, जब जब भी ये सत्ता से बाहर होते हैं तब तब ये मान्य परंपराओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। जब इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, चुनाव निरस्त होता है तो देश में इमरजेंसी थोप दी जाती है, न्याय प्रणाली के ऊपर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए जाते हैं। जब ईडी इस देश की कार्रवाई करते करते राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक कार्रवाई करते हुए पहुंच जाती है तो ईडी को फिर भाजपा का एजेंट बोलने का काम भी यही कांग्रेस के लोग करते हैं। कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ भी है, कांग्रेस का संगठन वहाँ वहाँ मान्य परंपराओं को सर्टिफिकेट जारी करता है और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ का संगठन मान्य परंपराओं को और संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। बहरहाल कांग्रेस की इन चिंताओं के बीच ये तय हो चुका है कि एमपी में विधानसभा के चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे। 7 जून से ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 15 दिन में सभी मशीनों की चेकिंग हो जाएगी। चिंताओं को देखते हुए वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग के साथ राजनीतिक दलों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से ईवीएम को चेक किया जाएगा। इस दौरान जिन मशीनों में गड़बड़ी पाई जाएगी उन्हें बदला भी जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव, News 18, भोपाल। इधर अमेरिका ने भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र की सेहत को लेकर चिंताओं को खारिज कर दिया है। अमेरिकी सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है जो कोई भी नई दिल्ली जाकर देख सकता है। अमेरिकी सरकार का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी ने अपने यूएस दौरे में भारत के लोकतंत्र को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन यूएस सरकार ने ऐसी चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने भारत में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र की सेहत को लेकर चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस ने भारत को एक जीवंत लोकतंत्र बताया है और कहा है कि जो भी दिल्ली जाएगा वो खुद ऐसा ही देख सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के लोकतंत्र को लेकर चिंता जाहिर की थी। इसी को लेकर कुछ पत्रकारों ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के लोकतंत्र से जुड़े सवाल किए और इसके जवाब में जॉन किर्बी ने भारत में लोकतंत्र की चिंताओं को खारिज कर दिया। This administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. And certainly, I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस के समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और हम उम्मीद करते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती को लेकर चर्चा आगे भी होती रहेगी। जॉन किर्बी ने कहा कि हम अपने दोस्तों के साथ अपनी चिंताओं को जाहिर करते हुए शर्माते नहीं हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए बेहद अहम है। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी मौके मौके पर भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। अमेरिका दौरे पर भी वो भारत में लोकतंत्र पर चिंता जाहिर कर रहे थे, लेकिन अब राहुल को व्हाइट हाउस के बयान से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने भारत में लोकतंत्र की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये राजकीय दौरा होगा और इस दौरान पीएम मोदी अमेरिका में संसद के दोनों सदनों के साझा सत्र को संबोधित करेंगे। इसे लेकर अमेरिका में काफी उत्साह है। पीएम मोदी के स्टेट विजिट में रक्षा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े डील्स पर भी मुहर लगने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। और उधर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी की खबरें एक बार फिर से सुर्खियों में। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह की कामना लेकर एमबीबीएस की एक छात्रा ने पदयात्रा शुरू की है। गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक सर पर गंगा जल लेकर कलश लेकर निकली है। पदयात्रा 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचने वाली है।
बाबा बागेश्वर की शादी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। शादी के बाद से ही वो दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन एक बार फिर ये सवाल उनके पीछे पड़ गया है, जिससे आसानी से बच पाना इस बार बाबा के लिए मुश्किल होने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बाबा बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से ब्याह रचाने की हसरत दिल में पाले उनके धाम की तरफ कूच कर चुकी है। टीवी स्क्रीन पर भगवा कपड़ों में दिखाई दे रही ये हैं शिवरंजनी तिवारी। इनके बारे में कहा जा रहा है कि एक बड़ा संकल्प लेकर बाबा के दर पर पहुंचने वाली हैं। ये गंगोत्री धाम से सिर पर गंगा जल का कलश लेकर निकली हैं। 16 जून को शिवरंजनी बाबा बागेश्वर के दर पर पहुंच जाएंगी। शिवरंजनी से जब बाबा बागेश्वर से शादी की बात पूछी गई, तब उन्होंने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि वो 16 जून को जब बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगी उसी के बाद इस रहस्य से पर्दा हटेगा। जब से मैंने ये गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से, जब से मैंने सर में कलश रखा है, तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज में। हर कोई कहता है कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ जो कि मैं पंडित पुरी शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जो महाराष्ट्री हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणा निधान हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, तो मैं सभी को कहूँगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। खुद बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार अपनी शादी की बात से खंडन कर चुके हैं, लेकिन उनकी प्रशंसक शिवरंजनी तिवारी अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, शिवरंजनी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए प्राणनाथ शब्द का भी जिक्र कर रही हैं। तो एक बार फिर सवाल हवा में तैर रहे हैं कि क्या शिवरंजनी बाबा बागेश्वर के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधना चाहती हैं? क्या वो उन्हें अपना जीवन साथी बनाने की कामना रखती हैं? क्या 16 जून को बाबा बागेश्वर धाम में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या 16 जून को ही बाबा की शादी के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठ जाएगा? 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। तो सभी लोग मुझे देखते रहिए, सर्च करते रहिए शिवरंजनी। अपनी यात्रा के दौरान शिवरंजनी चित्रकूट के संतोषी अखाड़ा पहुंची, परिसर में भजन मंडली भी सजाई, अपने दिल में मनोकामना लिए साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। शिवरंजनी MBBS की छात्रा हैं और 2 साल से वो बाबा बागेश्वर सरकार को फॉलो कर रही हैं। बचपन से ही वो अध्यात्म से जुड़ गईं। 4 साल की उम्र से वो भजन गा रही हैं और 8 साल तक संगीत की शिक्षा भी ली है। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, जो भी बताएंगे हमारे महाराष्ट्र बताएंगे, मैं क्यों कुछ कहूँ। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं, देश दुनिया में उनके करोड़ों की संख्या में फैन है। उनका दिव्य दरबार पूरे देश में लग रहा है, जिससे हर तरफ उनके दरबार की धूम है। बाबा हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन उनके फैंस में उनके प्रति जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। शिवरंजनी तिवारी भी उनके दरबार में जाने की तमन्ना रखती हैं। 16 जून को बाबा के दरबार में फिर कुछ बड़ा होने के आसार हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर सरकार के साथ शिवरंजनी की कथित शादी पर 16 जून को सच सामने आएगा। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट, News 18। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देख रहे हैं News 18।